और ड्राइवर अंदर ही हम लोगों को नौकर समझ लिए, हम लोग बाहर काम करवा रहे हैं वो भी तो। वर्दी पहनने वाले के मन में हमेशा एक ही जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने की चाह होती है, फिर चाहे वो कोई दरोगा हो, सिपाही हो या फिर होमगार्ड ही क्यों ना हो। लेकिन जब कुछ अधिकारी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर इन वर्दीधारियों से अपने बंगले पर जमादारों वाला काम कराए, तो फिर ऐसे वर्दीधारियों के अरमान दबना तो लाजमी है। यह विभाग के लिए बहुत घिनौनी बात है। जी हाँ, एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में होमगार्ड वर्दी में अपने दर्द को बयां कर रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर के कैंपियरगंज की हैं, जहां तहसीलदार के बंगले पर होमगार्डों से घास उखड़वाने और साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। इन जनाब तहसीलदार का नाम राम अनुज है। जब इन होमगार्डों से इसका कारण पूछा गया तो उनके दर्द भरे अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। एक वर्दी पहन करके इस तरह का कार्य करना, यह विभाग के लिए बहुत घिनौनी बात है। हम लोग सर कभी अपने यहाँ कुदाड़ी लेके कोनाड़ी नहीं कोड़े हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं अपने विभाग का रवैया देखते हुए हमको ये काम करना पड़ रहा है। अगर हम नहीं करते तो हमको तुरंत ड्यूटी पर से वंचित कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति दशा में हमको जो नाली साफ करना पड़ेगा करेंगे भाई, क्या करेंगे। और विभाग के आपके अधिकारी ये सब जो सुनेंगे नहीं, हमारे विभाग के अधिकारी सुनते नहीं, तुरंत सस्पेंड करना चालू कर देते हैं, क्या किया जाए। अच्छा जी, आपको बता दें कि तहसीलदार के कैंपियरगंज के बंगले पर वर्दीधारियों से जमादार वाले काम कराए जा रहे हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। ड्राइवर अंदर ही हम लोगों को नौकर समझ लिए, हम लोग बाहर काम करवा रहे हैं वो भी तो। इसमें हम लोग बिल्कुल खुशी लायक हैं।